Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. And today's video is based on the paper pattern of the management accounting, which will carry 100 marks in the examination. And from these 100 marks, 40 marks are devoted towards the theoretical concepts, 20 marks will be for theory, 20 marks will be for objectives, and rest of the chapters which relates that carries 60 marks, which is for practical. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न, एंड मैं आपको आज चैप्टर्स भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर्स आने के मैक्सिमम चांसेस है, जो यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में नहीं बताया है. सिलेबस में उन्होंने यही सिर्फ बताया है कि 15 मार्क्स के ऑप्शन में 15 मार्क्स आएगा. और बेसिकली जस्ट एक प्रेडिक्शन बेस पे मैंने एक एनालिसिस किया है कि लास्ट 2 to 3 इयर्स के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो पेपर्स को आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं. इस वीडियो से आपको पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा, एंड उसमें 10 मल्टीपल चॉइस आपको सॉल्व करने हैं. आपको 12 मल्टीपल चॉइस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं, जिसको आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच. क्वेश्चन नंबर 1 बी भी आपको ट्रू और फॉल्स पे पूछा जा सकता है. ट्रू और फॉल्स यूजुअली यूनिवर्सिटी फोकस कर रहा है, बट अल्टरनेटिवली आप मैच द फॉलोइंग भी प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है. इसमें टोटल 12 आएंगे, अगेन यू हैव टू आंसर एनी 10 आउट ऑफ दैट. सो मल्टीपल चॉइस और ट्रू और फॉल्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया. क्वेश्चन नंबर 2A में मिसिंग फिगर्स पूछा जाता है. क्वेश्चन मार्क वाले एक्सरसाइजेस होते हैं, जिसमें यूजुअली कॉमन साइज और कंपैरेटिव के ही मिसिंग फिगर्स पूछे गए हैं आज तक, तो वो दोनों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो. 8 मार्क्स का क्वेश्चन उस पर आएगा, स्मॉल क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर 2B कॉमन साइज और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे पूछा जाएगा. सिर्फ आपको कॉमन साइज या कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, विच विल कैरी 7 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. अगर आप ये दोनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आपको इसको अल्टरनेटिव में एक क्वेश्चन मिलेगा, एंड विच विल बी कैरिंग डायरेक्टली 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2, एंड दैट विल बी ट्रेंड एनालिसिस. सो आज तक ट्रेंड एनालिसिस ही पूछा गया है, एंड यूजुअली ट्रेंड एनालिसिस में प्रॉफिट एंड लॉस आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, बिकॉज उसमें थोड़े कैलकुलेशंस ज़्यादा है. तो 15 मार्क्स के लिए ट्रेंड एनालिसिस, जो स्टूडेंट्स को मिसिंग फिगर्स डिफिकल्ट लगता है वो स्टूडेंट्स ट्रेंड एनालिसिस 15 मार्क्स का सॉल्व कर पाएंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका रेशो एनालिसिस है. रेशो एनालिसिस पे आपको एक बैलेंस शीट दिया जाएगा, जिससे आपको रेशो ढूंढना है, एंड वर्टिकल कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर किसी स्टूडेंट्स को ये सब डिफिकल्ट लगता है, तो दे कैन कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू वर्टिकल फॉर्मेट, एंड देन दे सॉल्व द रेशियोस अकॉर्डिंगली. थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन आपका रॉन्ग नहीं होगा. सो रेशियो एनालिसिस के ऑप्शन में रेशियो एनालिसिस ही आएगा, एंड विच विल बी कैरी 15 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सो रेशियो एनालिसिस ऑप्शन में नहीं जा सकता. क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल बजटिंग, विच विल कैरी 15 मार्क्स अगेन, एंड उसके ऑप्शन में भी वी हैव कैपिटल बजटिंग अगेन कैरिंग 15 मार्क्स. तो यू हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स. सो यू कैन सी माई वीडियो, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन कैपिटल बजटिंग एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो आप वो वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिससे आपके सारे कैपिटल बजटिंग के मेथड्स क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में आप ये 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 विल बी बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस विल ऑल्सो कैरी 15 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. विच अल्टरनेटिव with one alternative question will be available for working capital, and similarly from this two you have to solve any one working capital question. So agar hum dekhe to guma phira ke ek hi baat ho rahi hai, and that is every chapter is equal important. Yahan pe sare chapters ke upar ek question hai, aur wo question aapko solve karna hi padega. तो इसीलिए हम कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं रख पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 आपको थियोरी आएगा. थियोरी में भी दो क्वेश्चंस होंगे, एक ब्रीफ होगा और एक ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आएगा. तो आप उसमें से कोई भी थियोरी का क्वेश्चंस कर सकते हैं. थियोरी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप वहाँ पर जाके थियोरी के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं. सो दीज आर दी overall chapters I have given. This is just a prediction, this is just an analysis done by me on the basis of last 2 to 3 years university paper which was asked in the university. लेकिन आप ये सारे chapters को करोगे तो आप exam में किसी type के भी changes हो जाए तो आपको कोई problem नहीं होगा. सब्सक्राइब दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर notifications, ताकि मैं अगर कुछ नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.